वेलकम गाइस इन लुडोजाइल। जैसा कि पता है आपको, यूपी पीसीएस का प्री बहुत ही निकट है और उसके लिए हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम दृष्टि आईएएस जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है उसका टेस्ट डिस्कस करेंगे। 10 टेस्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सारे के सारे टेस्ट अवेल कर सकते हो और आप देखिए, देखने का कारण भी है क्योंकि हम यहाँ पे 50 से 55 मिनट में आपको ऑलमोस्ट पूरे 150 के 150 क्वेश्चन उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहे हैं। मतलब कि आपको अभी तक 1500 क्वेश्चन मिल जाएंगे एक साथ 50 मिनट पर वीडियो के हिसाब से। दूसरी बात, यूपीएससी का भी अभी रिजल्ट आया है तो प्री की कट ऑफ आपने देखी होगी, एक तो 92 कट ऑफ जनरल की, 77 के ऑलमोस्ट आसपास जा रहा है ईडब्ल्यूएस का और 89 आपका ओबीसी। तो इससे आपको सीख क्या मिलती है, सबसे पहले तो आप ये समझिए। सीख यहाँ पे ये मिल रही है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि प्री जो है, प्री 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 प्रारंभिक परीक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कैंडिडेट उतने ही दे रहे हैं। थोड़ा सा जो आपका प्री है वो बहुत ही ज़्यादा डाइसी होता जा रहा है। सी सेट को भी आपको साथ में लेके चलना है। बहुत बच्चों का इस बार सी सेट की वजह से यूपीएससी रुका हुआ है और यहाँ पे यूपी पीसीएस में तो आपको फिर भी देखिए 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना होता है। वहाँ पे आपको 100 ही क्वेश्चन करने होते थे, यहाँ पे आपको टाइम भी देखना है। कंसेप्ट प्लस आपका फैक्ट दोनों का मिश्रण यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी सीरीज जो हम लेके आए हैं आपको, जैसे कि हमने अभी तक 10 कवर करा दिया है, इसके बाद भी हम आपको 40 टेस्ट कवर करवाएंगे। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 50 मिनट में आप पूरे का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएंगे और खुद से भी लगाइए, यहाँ से भी देखिए, बस प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस से ही अब प्री निकलने वाला है। 1 महीने से भी कम का वक्त बचा हुआ है, अब यहाँ से आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है कि आप प्रैक्टिस करिए। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। खाद्य और कृषि संगठन FAO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अक्टूबर 2020 में इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। केवल दो, एक दो, कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1 व 2, कोई नहीं। क्यों सही नहीं है, थोड़ा सा आप FAO के बारे में पहले जानिए। FAO की जो स्थापना है वो 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो रोम इटली में है। पहले आप ये समझिए, जिनेवा स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि रोम इटली में। इस कारण से आपका ये कथन तो गलत हो गया और यहाँ पे 50वीं वर्षगांठ नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। चलिए दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन पुरस्कारों की श्रेणी नहीं है। विश्वेश्वरैया सौर पुरस्कार, अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार, कल्पना चावला सौर पुरस्कार, दिवाकर सौर पुरस्कार। तो यहाँ पे देखते हैं, सेकंड का आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बी, अब्दुल कलाम और पुरस्कार, अब्दुल कलाम सौर पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? करंट अफेयर्स अच्छा खासा वेटेज इसका। देखिए यहाँ पे आपका सिंगापुर, आपको ये याद रखना है कि सिंगापुर ऐसा देश है जो कि राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश बन चुका है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, ये देखिए यहाँ पे फैक्ट आ चुका है, फैक्ट्स को भी आपको साथ में बनाते हुए चलना है। विश्व नगर दिवस कब मनाया जाता है, आपको याद रखना है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिटीज डेज। निम्नलिखित में से कौन बल्लम कली का सही वर्णन करता है? बल्लम कली के बारे में देखिए, बल्लम कली ये एक प्रकार का नौका दौड़ है, आपको याद रखना है बल्लम कली एक प्रकार का नौका दौड़ है। निम्नलिखित में से कौन बल्लम कली का सही वर्णन करता है? एक प्रकार की नौका दौड़, एक प्रकार का लोक नृत्य, एक प्रकार का मंदिर स्थापत्य, पश्चिमी घाट में हाल ही में खोजा गया एक पुष्पीय पौधा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक प्रकार की नौका दौड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, देखिए, जो चावल की फसल को संग्रहण करता है, जो एक प्रकार की फफूंद है। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा गलत है, फफूंद नहीं है, एक प्रकार का जीवाणु होता है, मतलब कि बैक्टीरिया। केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपिला अभियान निम्नलिखित में से किसने शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, पूछा है कपिला अभियान। तो आपको याद रखना है कपिला अभियान के बारे में, ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा
जारी किया गया एक अभियान है और इसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या तो त्रिपुरा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यह है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 को भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक के अनुसार तमिलनाडु भारत में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य है। तो नौवां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे आपका सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। केवल एक, केवल दो, एक दो कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अब आपको थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 एक गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति ने यह रिपोर्ट जारी की, इसलिए स्टेटमेंट आपका पहला तो सही नहीं है। दूसरा अगर देखा जाए, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को भारत में सबसे शासित राज्य बताया गया है और इसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका हैं। इसी श्रेणी में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार को निम्नतम स्थान दिया गया है, इस कारण आपका सेकंड भी सही नहीं है। अगला, हाल ही में विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका रुद्रम। लुहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? लुहरी जल विद्युत परियोजना गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या तो कृष्णा। तो आपका यहाँ पे सही आंसर है सतलुज। लुहरी जल विद्युत योजना सतलुज नदी में है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको ब्रह्मपुत्र और कृष्णा से। अगला क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यह संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों का 20वां शिखर सम्मेलन था। तो यहाँ पे आपका दूसरा तो सही है, पहला गलत है। इसकी जो अध्यक्षता है वो मोदी जी ने नहीं की थी, बल्कि इसकी जो अध्यक्षता है वो रूसी फेडरेशन के अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ने की थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ है? आपको एनवायरनमेंट वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्योंकि साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट का पोर्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। UPSC की जो कट ऑफ कम हुई है, बस सिर्फ और सिर्फ ये जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन उसमें आया है, लिटरली कोर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ गए थे, इसी कारण से कम हुआ है। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से बनाना ही बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। नाम दफा परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व या तो पन्ना टाइगर रिजर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मिशन सागर टू के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज का उपयोग मित्र विदेशी देशों को सहायता प्रदान करने के लिए किया गया है? तो यहाँ पे सही आंसर है आपका INS एरावत। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी किस वर्ष घोषित किया गया था? तो ये आपको 2008 में याद रखना पड़ेगा, आपको 4 नवंबर 2008 को गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया था? स्टैचू ऑफ यूनिटी नहीं, स्टैचू ऑफ पीस बोला गया है, कन्फ्यूज होकर गुजरात लगा के नहीं चले आना है। ये होगा आपका राजस्थान। और कब किया गया था अगर थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखना चाहें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर जी महाराज को 151वीं जयंती समारोह के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया था। थोड़ा सा आपको याद रखना है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक पुरस्कार की शुरुआत की, इस पुरस्कार का नाम क्या था? गार्गी, लीलावती, कादम्बनी या सरोजनी। तो आपको याद रखना है ये लीलावती पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा गुजरात में गरिमा गृह का वर्चुअल उद्घाटन किया गया था जो एक आश्रय गृह है,
ये किसको आश्रय देता है? निराश्रित महिलाओं के लिए, या तो वृद्धों के लिए, या फिर गृह विहीन प्रवासी मजदूरों के लिए, या ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए? तो आपको याद रखना है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायंट मीटर वेब रेडियो टेलीस्कोप वेधशाला जिसे प्रतिष्ठित IEEE माइलस्टोन स्टेटस प्रदान किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो आपको याद होना चाहिए कि यह महाराष्ट्र में पुणे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से देश 123 समझौते के भागीदार हैं? भारत और USA, UK और फ्रांस, कनाडा और USA, भारत और रूस। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भारत एवं USA। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर शहरों के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सही है? हाल ही में ग्वालियर और ओरछा को इस सूची में शामिल किया गया है, ये कथन तो सही है, और इसे शामिल करने के बाद 42 नहीं ये 40 होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? देखिए अब ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, रैंक आपसे पूछ लिया, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी थोड़ी सी ऐसी होती है कि ये इंडेक्स किसने जारी किया, ये सूचकांक किसके द्वारा जारी हुआ, आप ये भी देख लो। इंग्लिश मीडियम वाले हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो भी थोड़ा थोड़ा देखते चले, एक साथ दोनों करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो साइड में आपका इंग्लिश मीडियम का भी दे रखा है, आप कोरिलेट करिए और 50 मिनट में 150 क्वेश्चन जो हैं कवर करिए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो जो भारत का स्थान रहा है मानव विकास सूचकांक में वो 131 है, और ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। UNDP का फुल फॉर्म आपको पता होगा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। भारत किस तिथि को सुशासन दिवस मनाता है? 24 अप्रैल, 14 जुलाई, 31 अक्टूबर या 25 दिसंबर? तो इसका सही आंसर है 25 दिसंबर, आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस उस दिन होता है, उन्हीं के जन्मदिवस के रूप में 2014 से सुशासन दिवस मनाना शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस अरब खाड़ी देश में पहला कोयला आधारित बिजली संयंत्र विकसित किया जा रहा है? तो ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा देश पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये है आपका भारत, भारत करेगा। अक्टूबर 2020 में न्यू कैलेडोनिया ने किस देश से अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध मतदान किया था? तो वो देश था फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? क्वाड, क्वाड का हिस्सा नहीं है कौन? ब्रिटेन। इसके अलावा भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड में आते हैं, ये आपको याद रखना है। डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये थे आपके नोजोमी ओकुहारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय बाय कोरोना नामक विश्व की पहली साइंस टून पुस्तक के लेखक कौन हैं? पुस्तक के लेखक इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा फैक्ट है लेकिन फैक्ट भी बहुत आवश्यक है। प्रदीप श्रीवास्तव जी हैं। शोभा नायडू कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये भी करंट का एक फेमस क्वेश्चन, फेमस पर्सनालिटी इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये शास्त्रीय नृत्यांगना थी। भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारतीय पर्यटन सांख्यिकी ITS 2020 के अनुसार सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा हुआ राज्य है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेवेल राम कलावन हाल में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ये हैं आपके सेशेल्स की। हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व को भारत के रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, यह भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु कार्रवाई पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? गिवनी ट्रीज ट्रस्ट, भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट, ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन या विज्ञान और पर्यावरण केंद्र?
तो आपको पता होना चाहिए कि है ग्लोबल हिमालयन एक्सपेडिशन। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस बार का विषय क्या था? सभी के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य करना। तो थीम भी पूछ लेता है और कब मनाया जाता है ये तो पूछेगा ही पूछेगा। चंद्रमा पर पहले सेलुलर नेटवर्क के निर्माण के लिए नासा ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को चुना है? तो ये कंपनी है नोकिया। नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मैक्सिकन वैज्ञानिक मारियोले मोलिना का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? करंट में फेमस पर्सनालिटी सेक्शन से क्वेश्चन, तो वो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें नोबल पुरस्कार प्राप्त था। 29 देखते हैं, लाल गोल तीखी मिर्च जिसे स्थानीय रूप से डाले खुरसानी के नाम से जाना जाता है, इसे GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो आपको याद रखना है ये सिक्किम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल के लिए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आपके विशाल वी शर्मा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे किसके द्वारा डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स संचालित किया जाता है? इंडेक्स एंड रिपोर्ट अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है और आपको प्लेलिस्ट में हमारे ट्रिक के माध्यम से जो हमने कवर करा रखा है मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप जरूर से ज़रूर देखिए। सारे इंपॉर्टेंट बड़ा ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर और कौन सी रिपोर्ट वो जारी करते हैं हमने कवर कराया है ट्रिक के माध्यम से 50-50 मीडियम सेकेंड वीडियोज में। तो यहाँ पे डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा याद रखिए कि ये कार्यकारी निकाय होता है, आपको पता होगा 3 तरीके के निकाय होते हैं, संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी। तो ये कार्यकारी निकाय होता है। अगला देखते हैं, हाल ही में व्यापक रूप से चर्चित गुपकर घोषणा पत्र किसके किससे संबंधित है? गुपकर घोषणा पत्र चलिए देखते हैं। धारा 370 के निरस्तीकरण का विरोध करने के लिए, पड़ोसी शत्रुओं से भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, जलवायु परिवर्तन से, COVID-19 से निपटने हेतु एक योजना। तो ये धारा 370 के निरस्तीकरण से संबंधित है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन आसिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा की गई। इसका उद्देश्य दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देने के साथ साथ अनुसूचित जनजाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे पहला दूसरा दोनों के दोनों गलत हैं। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति मतलब कि SC के छात्रों के लिए नवाचार एवं उद्यम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की थी, इसीलिए ये गलत हो गया पहला। दूसरा, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुसूचित जाति दिव्यांग युवाओं में उद्यमिता का विकास करने और उन्हें रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से 2014-15 में अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड की शुरुआत की थी।